Yeah, I will respond. No. Okay, okay, ma'am. Don't worry, I'll do it. Yeah, for sure. Yeah, I will respond you soon. 45 copies थे मैम एंड रजत के पास ऑलरेडी चेक की डिटेल्स हैं. ओके ओके मैम ओके थैंक यू. ओके ओके मैम. हे व्हेन डिड यू कम? व्हाइल यू वर बिजी विद समवन. व्हाट डू यू मीन? इट वाज एन इंपॉर्टेंट कॉल फ्रॉम द ऑफिस सो आई हैड टू पिक अप. एंड बाय द वे व्हाई आर यू सो मच इरिटेबल टुडे? टाइम देखो कितना हो गया. ऑफिस से आ रहा हूं थक हार कर और अभी तक डिनर रेडी नहीं हुआ. कूल डाउन परम, ये कैसे बात कर रहे हो? आई ऑल्सो डू 7 आवर्स ड्यूटी. बस फर्क इतना है मैं तुमसे थोड़ी देर पहले घर आ जाती हूँ, पर थकती तो मैं भी हूँ ना. तुमसे कितनी बार तो बोल चुका हूँ ये वाली जॉब छोड़ दो, जब मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ तो. तो मैंने भी तो तुमसे कितनी बार बोला है कि हम खाना बनाने के लिए एक मेड रख लेते हैं. शादी से पहले मैंने भी तुमसे एक बात कही थी कि खाना तो मैं अपनी वाइफ के हाथ का ही पसंद करूंगा. सो वॉट? I also said that I can't be remain as a housewife after marriage. हाँ तो मैंने कब बोला कि तुम housewife बन के रहो? And why do you always take my point on the wrong side? I am not taking your point on the wrong side. I am just telling you what is true. और मैं कोई अकेली औरत तो हूँ नहीं जो शादी के बाद जॉब करती है. मेरी कितनी कलीग्स हैं जो after marriage भी जॉब करती हैं. And उनके relationships में कोई problem नहीं है. You know, I think instead of understanding each other, we are insisting on argument. पिछले कितने ही दिनों से हम इसी टॉपिक पे झगड़ रहे हैं. परम तुम बहस तो मुझसे तब करो ना अगर मैं तुम्हारी केयर ना करती हूँ. तुम्हारा ब्रेकफास्ट तुम्हें टाइम पर मिलता है, लंच मैं रेडी करके साथ में दे देती हूँ. हाँ बस इतनी सी बात है कि डिनर में थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन तो तुम खाना टाइम पे देना ही तुम केयर मानती हो. अरे ये काम तो कोई मेड भी कर सकती है जो हमें टाइम पे खाना दे सकती है. लेकिन सच तो ये है कि हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है. देखो नताशा, मैं जानता हूँ तुम सुबह मुझसे पहले उठकर सारा काम फिनिश कर फिर ऑफिस जाती हो, और ये मैं अच्छे से समझता हूँ. मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि हमें दूसरे कपल्स की तरह एक छोटी सी बात का बड़ा मुद्दा नहीं बनाना है जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होते ही और डिवोर्स तक सोचने लग जाते हैं. हाँ तो अब तुम डिवोर्स तक सोचने लगे हो? सोचोगे भी क्यों नहीं, एज में बड़ी जो हूं तुमसे वो भी पूरे 5 साल. मन भर गया होगा नहीं? हेलो सर, योर पिज्जा. Thanks. You're welcome, sir. ऑफिस से निकलने से पहले तुम्हारा मनपसंद पिज्जा ऑर्डर कर दिया था, खा लो. मैं बहुत थक गई हूँ, so want to sleep.
परम, ब्रेकफास्ट तो करते जाओ। सॉरी आई एम गेटिंग लेट, बाहर से कुछ खा लूंगा। अच्छा एक मिनट। तुम्हारा लंच। थैंक्स। हाय, आ गए तुम। मे बी आज मैं टाइम पर हूँ, जाकर चेंज कर लो, डिनर ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ। सॉरी। खाना तो बहुत टेस्टी बनाया है आज, कुछ खास डाला है क्या? हाँ, आज मैंने इसमें वो प्यार डाला है जो तुम बहुत टाइम से मिस कर रहे थे। खाओ। हाँ। ओह वाओ, माय फेवरेट खीर। तुमने बनाई है? बहुत टेस्टी है। आज कुछ खास है क्या? नो, नथिंग लाइक दैट। आज इतने दिनों बाद मैं इतनी डिलीशियस खीर खा रहा हूँ, और ये तुम तभी बनाती हो जब कुछ स्पेशल होता है। आई थिंक तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, राइट? नो। तुमने रिजाइन दे दिया? यस। बट व्हाई? आई एम आस्किंग यू समथिंग नताशा। यू नो व्हाट, आई वाज थिंकिंग लास्ट नाइट, देन आई रियलाइज्ड तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। हम दोनों के पास एक दूसरे को देने के लिए वक्त ही नहीं है। कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट होने के चक्कर में मेरी ईगो हर्ट हो रही थी, एंड दैट्स नॉट माय फॉल्ट। मेरी परवरिश ही ऐसी सोसाइटी में हुई है जहां सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट को ही रिस्पेक्ट दी जाती है। ये बात समझने में मुझे वक्त लग गया कि सोसाइटी के हिसाब से बनाए गए जेंडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग अलग ही होती है, जिन्हें निभाने में मैं चूक गई। एंड मैं ही क्यों, मेरे जैसी कितनी लड़कियां हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट होने के चक्कर में अपने घर खराब कर रही हैं। उनके पास वक्त ना होने की वजह से डिवोर्स ही ऑप्शन दिखता है। यू नो व्हाट, मेरी मम हमेशा एक बात बोला करती थी, जिंदगी एक ही मौका देती है चूज करने का, करियर या रिश्ते।
शायद वो जानती थी आने वाला वक्त रिश्ते खोने वाला होगा। And I don't wanna lose you. अच्छा छोड़ो, तुम ये नहीं पूछोगी कि कल रात तुम्हारा फेवरेट पिज्जा क्यों मंगाया था? ओ या, ये तो तुम तभी मंगाते हो ना जब कुछ स्पेशल होता है। हाँ। So, कल क्या था? हाँ, चलो बताता हूँ। हाँ? चलो चलो बताता हूँ। तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है ना? हाँ, पर इसका मेरी पिज्जा से क्या कनेक्शन? बैठो। मिस्टर शिंदे है ना, उनकी वाइफ ने अभी अभी आर्ट गैलरी की ओपनिंग की है। वाओ। और मैंने उन्हें तुम्हारी पेंटिंग पिक्स दिखाई है। रियली? हाँ, और उन्हें बहुत पसंद आई। पर इसका मेरी पिज्जा से क्या कनेक्शन? अरे नताशा, मिसेस शिंदे ने तुम्हें जॉब ऑफर की है। What? हाँ, और मैं नहीं चाहता कि तुम ये चांस छोड़ो, क्योंकि ये तुम्हारा ड्रीम था कि तुम्हारी पेंटिंग्स को दुनिया देखे। And the biggest thing is that the job is only of 3 hours. Anyway, thank you for your cooperation, Natasha. कि तुमने इस बात को समझा कि खुशी उसी परिवार में है जहां रिश्तों में प्यार और सैक्रिफाइस है। सोनोटेप कैसेट।